रुकते हैं प्रदेश की ओर। हिमालयन गद्दी यूनियन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें राज्य संयोजक रमेश मस्ताना मौजूद रहे। प्रदेश महासचिव राज कपूर ने कहा कि हिमालयन गद्दी यूनियन जहां गत करीब 3 वर्षों से गद्दी समुदाय की जातियों के लिए कार्य कर रही है, जिसके साथ गद्दी शब्द नहीं जोड़ा गया है, जबकि ये सभी उपजातियां गद्दी समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं। हिमालयन गद्दी यूनियन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें राज्य संयोजक रमेश मस्ताना भी मौजूद रहे। प्रदेश महासचिव राज कपूर ने कहा कि हिमालयन गद्दी यूनियन जहां गत करीब 3 वर्षों से गद्दी समुदाय की जातियों के लिए कार्य कर रही है, जिनके साथ गद्दी शब्द नहीं जोड़ा गया है, जबकि ये सभी उपजातियां गद्दी समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि यदि सुविधाओं की अभिन्न हिस्सा माने जाने वाली हाली बाड़ी डोगरी सिप्पी रिहाड़े आदि के साथ राजस्व अभिलेख में गद्दी शब्द न जुड़ने से उन्हें आज भी गद्दी नहीं माना जाता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि राज्य स्तर पर मात्र एक अधिसूचना के माध्यम से सारी समस्या का समाधान हो सकता है। प्रदेश में जहां जहां भी इन उपजातियों के लोग रहते हैं उन्हें न्याय मिल सकता है, जो कि सरकार को अविलंब कर देना चाहिए। राज कपूर ने कहा कि जब तक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता तब तक यूनियन अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। जो कांगड़ा चंबा में गद्दी समुदाय से कुछ एक उपजातियां जो वंचित रही हैं, जिनके साथ गद्दी शब्द लगना जरूरी है, उसके लिए जो ये अभियान हिमाचल में छेड़ा गया है हिमालयन गद्दी यूनियन द्वारा, उसी कड़ी में आज शाहपुर में प्रधान महेंद्र जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, फिर से ये बात हम आज ये दोहराना चाहते हैं कि हम ना तो एसटी का स्टेटस मांग रहे हैं, ना ही एससी का स्टेटस मांग रहे हैं। सिर्फ एक सिंपल और साधारण सी बात हम लोग कर रहे हैं कि जो ये 7 उपजातियां हम लोग गिना रहे हैं जो गद्दी समुदाय से संबंधित हैं, इनके साथ सिंपल एक गद्दी शब्द जोड़ा जाए और ये जो प्रदेश सरकार है वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से करे। धन्यवाद।